एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं कपल एम्ब्रॉयडरी हुप और बनाएंगे साथ साथ ये ब्यूटीफुल से टैसल्स। ये टैसल्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इन्हें हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को कम्प्लीट देखें। तो आप और मैं मिलकर बनाते हैं कपल एम्ब्रॉयडरी हुप, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिया है मैंने अपना ये एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, इसमें मैंने अपने फैब्रिक को कर लिया है प्लेस। ये लिया है मैंने रेड कलर का नॉर्मल थ्रेड जो हम यूज़ करते हैं, इससे हम बनाएंगे हार्ट। हार्ट बनाने की प्रोसेस के लिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ सिंपल सिंपल स्टिचेस लेने हैं। ये देखिए, क्लोज क्लोज स्टिचेस लेंगे हम। ये ध्यान रखेंगे कि पीछे का फैब्रिक विजिबल नहीं होना चाहिए, और इसी तरह हम वन बाय वन स्टिचेस लगाते जाएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि मैंने फैब्रिक पर ये पैटर्न कैसे ड्रॉ किया है, इस पर मैं एक कम्प्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से उसे देख लीजिए, आपको लिंक मेरे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह मैंने दोनों हार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे अल्फाबेट्स की एम्ब्रॉयडरी। उसी सेम थ्रेड को मैंने ब्लैक कलर में लिया है और मैं अपने अल्फाबेट्स की आउटलाइन को फॉलो करती जा रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी सिंपल है। स्लोली स्लोली अपनी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को मैं फॉलो करती जा रही हूँ। यहाँ मैंने कपल का नेम लिखा हुआ है। छोटे छोटे स्टिचेस हम कर्व पार्ट पर लगाएंगे। ये देखिए, लाइक दिस छोटे छोटे स्टिचेस लिए हैं मैंने। स्ट्रेट लाइंस पे मैंने स्टिचेस थोड़े बड़े बड़े लिए हैं, लाइक दिस, स्लोली एंड स्टेडीली। थोड़ा पेशेंस रखिए, काफ़ी 3D इफेक्ट देता है ये आउटलाइन करने पर। इसी तरह से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने नेम्स। ये देखिए, मैं कैलेंडर की एम्ब्रॉयडरी भी इसी तरह से कर रही हूँ। छोटे छोटे स्टिचेस लिए हैं, पीछे से डायग्राम को फॉलो किया। देखिए, हो गए हैं रेडी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ लीव्स। लीव्स बनाने की प्रोसेस भी सिंपल है। आप ऊपर से नीचे की तरफ स्टिचेस लीजिए और एंड्स पर जो स्टिचेस हैं उनकी लेंथ कम करते जाइए, लाइक दिस। इसी तरह मैंने एंड्स की स्टिचेस का साइज स्मॉल रखा है। स्टेम भी मैंने इसी तरीके से सिंपल एक स्टेंस स्टिच किया है। इसी तरह से मैं सारा पैटर्न कंप्लीट कर लेती हूँ, लाइक दिस। लग रहे हैं ना काफ़ी प्रिटी। अब हम बनाएंगे रोज। रोज बनाने के लिए जो सेंटर से मैंने 5 लाइंस ड्रॉ करी हैं, इसे फर्स्ट मैं कवर कर लूँगी। ये लिया है मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पिंक कलर में, लाइक दिस। मैं सारी 5 लाइंस को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। सेंटर से लिया है मैंने अपना थ्रेड और नेक्स्ट लाइन को स्किप करते हुए अगली लाइन के नीचे से निकाला। ये देखिए, एक लाइन को करा है स्किप, उसके नेक्स्ट लाइन के नीचे से मैं अपने थ्रेड को निकाला है, और इसी तरह करते करते 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। बस इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइए। तब तक आपको फॉलो करना है जब तक ये जो 5 लाइन्स है ये कम्प्लीटली कवर ना हो जाए, लाइक दिस। देखिए, मैंने अपने 3 फ्लावर्स कम्प्लीट कर लिए हैं। सेंटर पर लगाए हैं मैंने ये कुंदन, और ये कैलेंडर भी मेरा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी प्रिटी और 3D लुक दे रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे अपने ब्राइड एंड ग्रुप की बॉडी पेंट। इसके लिए लिया है मैंने फैब्रिक कलर स्किन कलर में। अब बॉडी पार्ट्स को हम पेंट करते जाएंगे, लाइक दिस। इसके बाद मैं दोनों के अटायर को भी उसी फैब्रिक कलर से पेंट कर लूँगी। गोल्डन के बाद मैंने लिया है पिंक कलर, लाइक दिस। नेक्स्ट मैंने लिया है सेम पिंक कलर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, इससे हम अपने ग्रूम की पग बनाएंगे। ये टर्बन बनाने के लिए पहले मैंने सेंटर पे स्टिचिंग स्ट्रेट लाइंस की है। ये देखिए, स्ट्रेट स्टिचिंग की है। नेक्स्ट जो कॉर्नर से मैंने स्लैंटिंग में स्लैंट स्टिचेस लिए हैं, तिरछे स्टिचेस लिए हैं, देखिए क्रॉस में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से मैं क्रॉस स्टिचिंग कर लूँगी, लाइक दिस। ये हो गई है। उसके बाद लिया है मैंने क्रीम कलर का थ्रेड, इससे हम अपने ब्राइड के बालों के फ्लावर्स बनाएंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं फ्रेंच नॉट। पहले हमें थ्रेड को अपनी नीडल पर 2 से 3 बार टर्न करके एक हाथ से पकड़े रखना है, स्लोली स्लोली छोड़ना है, वरना नॉट लग जाएगी। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। ये देखिए, कितना प्यारा बन लग रहा है ना। इसी तरह से मैंने हाथ के बुके में भी यही प्रोसेस फॉलो की है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये पर्ल स्टिकर्स। ये काफ़ी इजी होते हैं स्टिक करने के लिए, बस निकाला और स्टिक कर दिया। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल मोती भी ले सकते हैं, स्टार्स ले सकते हैं, उसे फैब्रिक कॉल या ग्लू गन की हेल्प से
बॉर्डर्स पर स्टिक कर सकते हैं, आप लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहो आपकी चॉइस। ये देखिए मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि टर्बन और ड्रेस का कलर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने डार्क शेड अप्लाई करा है। नेक्स्ट मैंने कुंदन लिए हैं, इन्हें कॉर्नर्स पे स्टिक कर दिया है, काफ़ी ग्लिटरी इफेक्ट दे रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब हो रहा है ना मैचिंग, नाइस एंड रेडी। इसके बाद लिया है मैंने नेट का फैब्रिक, नीचे लगाई है मैंने प्यारी सी लेस, कुछ कुंदनों को भी मैंने स्टिक किया है और इसे भी मैं स्टिच कर लेती हूँ लाइक दिस। वाओ क्यूट क्यूट ब्राइड रेडी है। और थोड़ा सा मैंने नेट का फैब्रिक लिया है ब्राइड का दुपट्टा बनाने के लिए, उस पर भी कॉर्नर पे मैंने लगा दी छोटी सी लेस। हो गई है हमारी ब्राइड यहाँ रेडी। नेक ऊपर पे मैंने लगाया है ये रेड कलर का रिबन, इससे बनाई है बो। अब हम बनाएंगे टेसल्स। टेसल बनाने के लिए मैंने लिया है येलो कलर का ऊन, इसे मैंने एक कार्ड पर 25-30 टाइम्स राउंड किया है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन दी थिकनेस, जितना ज़्यादा आप राउंड लोगे उतना ज़्यादा थिक हमारे टेसल्स बनेंगे। फिर एक थ्रेड से मैंने इन्हें टाई कर दिया है, डबल बार नेट को सिक्योर किया है ताकि वो खुले। अब इसे मैंने कट कर लिया है, सारे थ्रेड्स को बाहर निकाला है कार्ड से और सेंटर से हम इन्हें कट कर लेंगे लाइक दिस। अब दोनों तरफ से हम थ्रेड्स को टर्न कर लेंगे, अगेन टॉप पर अगेन एक नॉट लगा लेंगे 2 times, टाइटली इसे हम सिक्योर कर लेंगे लाइक दिस, एक्स्ट्रा थ्रेड कर लेंगे कट। अब एंड्स जो हैं वो अनइवन हैं, इन्हें हम इक्वल करने के लिए कटिंग कर लेंगे लाइक दिस। हमारा क्यूट लिटिल टेसल रेडी है, काफ़ी प्रिटी लग रहा है। इसी तरह मैंने मल्टी कलर टेसल्स बना लिए हैं। इसके बाद लिया है मैंने एक थ्रेड, इस पर मैं 1 by 1 अपने टेसल्स को स्टिच कर लूँगी। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, कोई थीम फॉलो कर सकते हैं या सिंपल एक ही कलर से भी बना सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक लाइन को बना लिया है, इसी तरह मैं कई सारे लाइन्स बना लूँगी। अब हुप के पीछे जो फैब्रिक बच गया है, आप चाहो तो पहले रिमेनिंग फैब्रिक को कट करके स्टिच करने के बाद भी इसे लगा सकते हो, बट मैं इसे पहले ही इस तरह से बांध लूँगी, 2-3 नॉट को मैं सिक्योर कर लूँगी, 1 by 1 ऐसी कई सारी लाइंस को मैं फैब्रिक पर स्टिच कर लूँगी। एंड यहाँ हो गए हमारे क्यूट लिटिल से टेसल्स रेडी, काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। 5-6 लाइंस मैंने बनाई हैं एंड यहाँ हमारा एम्ब्रॉयडरी हुक भी रेडी है, काफ़ी 3D इफेक्ट दे रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप बनाइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, उन्हें गिफ्ट करिए, हैंडमेड है। मिलती हूँ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, बाय बाय।